हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, सर्दी के मज़े ले रहे होंगे। चलिए, आपके बहुत लोगों की रिक्वायरमेंट आती थी कि बस सर, आप अपना फेस क्यों नहीं दिखाते, वीडियो पे फेस दिखाया करो, वीडियो में आया करो। लो जी, आपके कहने पे आपके वीडियो में आ गए हमें। आप देखिए, मैं आपको टूर कराता हूँ मेरे फ्लैट होगी। ये जिस बिल्डिंग में हम खड़े हैं, ये आपका श्री साइन करके हम लोगों ने बिल्डिंग बनाई है, ये और जो कि G+4 की बिल्डिंग होने वाली है। नीचे पूरा स्टील पार्किंग है, ऊपर अपर ग्राउंड फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ये फ्लोर है अपने। इसमें हर एक फ्लोर पे 4 यूनिट दे रखी है हम लोगों ने, जो कि 4 BHK होने वाले हैं। काफ़ी अच्छा साइज और लार्ज साइज है इसके अंदर। जैसे कि देखेंगे आपका, जितना देखेंगे ये पूरा लॉबी एरिया हो गया। लॉबी एरिया में भी क्या है, हम लोगों ने पूरा मार्बल, ग्रेनाइट मार्बल लगा रखा है पूरा। और स्टेयर्स केस हो गया, देखो स्टेयर्स केस में जो देखेंगे आप, ये पूरा स्टेनलेस स्टील की आपका रेलिंग लगा रखी है। बाकी का इसमें पूरा स्टेयर्स में आपका मार्बल का आपने यूज़ किया हुआ है। और जैसे आपका लोबी की बात करते हैं, लोबी के अंदर आपका 4 यूनिट्स मिलती है, चारों के चारों 4 BHK की यूनिट्स है। जैसे कि हम बात करते हैं ये वाला फर्स्ट यूनिट जो कि 2 BHK फ्लैट है, सेकंड 2 BHK फ्लैट, ये अपना लिफ्ट का पोर्शन आ जाता है जो कि 6 पैसेंजर लिफ्ट है, काफ़ी अच्छा साइज है। बाकी ये थर्ड यूनिट आ गई, फोर्थ यूनिट ये आ गई, चारों ही 2 BHK फ्लैट है, जिसमें से एक फ्लैट की यूनिट में आपको टूर कर देता हूँ। देखिए, आइए अंदर आइए। जैसे ही मैं फ्लैट में एंट्री करता हूँ, ये आपका लिविंग एंड डाइनिंग एरिया हो गया। आप इसको मूव करके देख लीजिए पूरा, ठीक है। ये पूरा काफ़ी अच्छा और लार्ज साइज है और ओपन एरिया है, बिल्कुल अपना पूरा प्रॉपर वेंटिलेशन रोशनी वाला फ्लैट है ये आपका। इसके अलावा हॉल के अंदर जो बात करेंगे, ऊपर देखेंगे ये पूरा फॉल सीलिंग का काम कर रखा है हम लोगों ने। ये LED लाइट, फैन लाइट वगैरह सब लगा के दे रहे हैं आप लोगों को। उसके बाद सामने आपका ओपन किचन आता है, जो कि आपका लकड़ी का सारा काम करा के देते हैं। जैसे कि आप देखेंगे ये बास्केट वगैरह हम लोगों ने ऑलरेडी बना रखी है। ये कवर्ड है, कोई बड़ा सामान रखना हो अपना कवर्ड वगैरह में रख सकते हो। ऊपर में क्या है, ऊपर भी आपका पूरा कवर्ड वगैरह बना के देते हैं हम लोग, ये इस तरीके से। जो तो बहुत से क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है कि सर हमारा सामान नहीं आ पाता, ये आपका छोटा है, अपना सामान रखने में दिक्कत होती है। ये जो आपको देख रहे हैं मूवी, ये पूरा मूवी में लगता है, ये पूरा अपना हटा करके तो बड़ा भी अपना कोई सामान रख सकते हैं पूरा। ये किचन की, आइए इधर दिखाता हूँ। ये आपका किचन के साथ आपका सॉफ्ट मिल जाती है, जो कि काफी लार्ज साइज होने वाला है। दोस्तों, इस फ्लैट में कुछ नहीं काम कराना आपको, एग्जॉस्ट में लगा के दे रहा हूँ, आपका रेलिंग में लगा के दे रहा हूँ, कुछ काम नहीं कराना, सिर्फ आप रेस्ट ही कराओ और आप में सामान लेकर रहने लग जाओ, इस तरीके का फ्लैट है पूरा। इसके आइए मैं विंडो वेंटिलेशन के लिए आपको शाफ्ट दिखाता हूँ। ये काफी बड़ी शाफ्ट है, इसमें मेजरली बहुत कम लोग हैं जो इतनी बड़ी शाफ्ट छोड़ते हो। ये फ्लैट ऐसा, आपको इसमें आपको चिमनी लगाने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी अपना। उसके बाद आइए, इसमें क्या है, आपका USB दिखाता हूँ। इस फ्लैट की सबसे बड़ी USB क्या है, ये है इसका वॉशरूम। आपने मेजरली 2 वॉशरूम देखे होंगे, लेकिन मैं आपको एक वॉशरूम ऐसा दिखाता हूँ जो कि बहुत बढ़िया और लार्ज साइज होने वाला है। ये रहा, ये 3 वॉशरूम के बराबर का साइज अकेला एक वॉशरूम हम दे रहे हैं लोग। ये आपका वॉश बेसिन हो गई, जो आपको फिटिंग की बात करें, अच्छी क्वालिटी की फिटिंग हम लोग दे रहे हैं इसके अंदर, ये देखिए। बाकी ये आपका सेरेमिक सीट हो गई, और टाइल्स वगैरह इसमें पूरी हाइट तक हमने टाइल्स दिए हैं। ऐसा नहीं है कि अपना 7 फीट हाइट तक या 6 फीट हाइट तक टाइल दे जिसके पास पूरा छोड़ दिया, नहीं, पूरा पर टाइल दे रखी है। LED लाइट लगा रखी है, पीछे आपको एग्जॉस्ट भी लगा कर मैं दे रहा हूँ, आपको एग्जॉस्ट भी लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए सर, आइए आपको बेडरूम दिखाता हूँ। आइए, ये इसका फर्स्ट बेडरूम है, आइए एंट्री करते हैं। 10x12 के आसपास का साइज हो गया पूरा। और जितने पूरे फ्लैट में आप देखेंगे, दो चीज़ आपने नोट्स की, पूरा ये जो स्विचेज हैं, इलेक्ट्रिक स्विचेज पार है, सारे अच्छी क्वालिटी के और कौन के ले रहे हैं हम लोग। बाकी का इसमें जो देखेंगे, ये आपका केबल है, ये आपको दोनों बेडरूम में मिलती है, हॉल के अंदर मिलती है, अलग से केबल का काम नहीं कराने की जरूरत आपको। बाकी का इसके अंदर आपका ये कबर्ड हो गया है, ऊपर भी आपका पोर्शन आ जाता है। ये विंडो हो गई है, जो कि आपकी बालकनी में ओपन हो रखी है। उसके बाद ये देखिए सर, बालकनी साइज में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, आप बालकनी का साइज देखिए सर, तकरीबन 18 फीट की बालकनी मिलती है आपको ये। और बालकनी की खासियत बताता हूँ, आपकी जितनी दीवारें आप देख रहे हैं, ये दीवार हो गई, ये दीवार हो गई, ये दीवार हो गई, ये दीवार हो गई, सब में आपका टाइल्स लगा रखी है, ऊपर क्या पत्थर लगा रखा है आपका, कभी सीलन का नामो निशानी नहीं है आपका पूरे कहीं भी। बाकी पानी वगैरह के लिए ये हो गया,
आप बाहर से वॉशिंग वॉशिंग लगाइए, अपना पावर पॉइंट आपका इधर मिल जाएगा। और इसके अलावा ये पावर पॉइंट लगाना बाकी भी वो लगा के दे दूंगा मैं आपको, बाकी आपका जो वेस्टेज पानी जाएगा वो आपका ये इधर पूरा वेस्टेज चला जाएगा। जैसे होता है ना बालकनी में पानी अगर बारिश आती है, पानी वगैरह भर जाता है घर में आता है, तो वाली समस्या भी दूर हो गई आपकी। जो बालकनी है, बालकनी डीप में बनाई है हम लोगों ने, 6 इंची नीचे दे रखी है बालकनी। देखेंगे आप कितनी बारिश आए कोई पानी भरने का कोई नामोनिशान नहीं है आपके फ्लैट में। आइए आपको दूसरा बेडरूम दिखाता हूँ इसी से। ये आपका दूसरा बेडरूम, ये भी लगभग सेम साइज होने वाला है। ये रहा सीलिंग में हमने फैन लगा दिया है, पीओपी का काम कर रखा है, एलईडी लगा रखी है बल्ब, बाकी इलेक्ट्रिक स्विचेस वगैरह जितने देंगे सारे मॉडुलर हैं आपका। यहाँ तक कि आपका होल्डर भी देखेंगे, इधर देखिए इधर पूरा होल्डर देखेंगे, होल्डर भी काफ़ी अच्छा है, अच्छी क्वालिटी का, अच्छी ए ग्रेड की चीज़ें लगा रखे दे रखे हैं हम लोगों ने। बाकी एसी वगैरह अगर लगाते हैं आप, एसी के लिए अलग से कोई फिटिंग नहीं करनी है आपको, पूरा आपका एमसीबी अंदर लगा के पावर पॉइंट आपको दे दिया है। आप दोनों बेडरूम में विंडो एसी लगा सकते हो, आपको स्पीड एसी लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरा आप चाहे इधर लगाएं या इधर लगाएं, कहीं भी लगा सकते हैं आप। ये आपके बालकनी एक, ये दोनों बेडरूम से बालकनी अटैच है मेरी, देखिए साइज में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है बालकनी में। इतनी बड़ी बालकनी का साइज आपको कहीं नहीं मिल पाएगा जितना बड़ा मैं आपको दे रहा हूँ, काफ़ी लार्ज साइज बालकनी है आपकी इसमें। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, फिर मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में अपनी। आपको जो बाकी 3 फ्लैट बचे हुए हैं उनको भी मैं आपको टूर कराऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फैला दीजिए अपने सभी दोस्तों में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय।